हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। मैं सेल्फ आशीष फ्रॉम एस एम एस जयपुर। और गाइस, अब हम बना हमारा नेक्स्ट वीडियो, दैट इज मेल इनफर्टिलिटी। तो गाइस, अभी तक अपन ने क्या देखा कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने की कोशिश करी। देखो, मेल इनफर्टिलिटी को पहले एक ब्रॉड व्यू में समझने की कोशिश करो कि भाई मेल कब इनफर्टाइल कहलाएगा, लाइक जब वो स्पर्म अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसका यह मतलब है कि या तो जैसे ओरिएंटेशन की अपन बात करें, देखो सबसे पहले तो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक क्रिप्टोर्चिडिज्म क्वेश्चन है, जो भी आप कहते हैं इसे, क्या जो भी प्रोनाउंसिएशन है क्रिप्टोर्चिडिज्म। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्फिनाइट स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिएंटेशन की बात करें तो देखो, मेल इनफर्टाइल कब कहलाया जाएगा, या तो यार वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पा रहा, ठीक है, या वो कर पा रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस कर पा रहा है लेकिन ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, लाइक जितना नंबर में होना चाहिए उतना नंबर नहीं है। ठीक है, अगर मान लो नंबर भी है तो उसकी मॉर्फोलॉजी, ये कह लो मोटिलिटी, दोनों ही अलग है। मतलब या तो उसके शेप साइज स्ट्रक्चर सही नहीं है, या वो मोटाइल नहीं है, या स्पर्म काउंट सही नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पा रही, लाइक क्रिप्टोर्चिडिज्म ये कंडीशन है जिसके अंदर नहीं हो पाती। और कुछ हार्मोन से यार जो एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहे थे, आपने देखा कल ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन जो था वो एक्चुअली स्पर्मेटोकोनिया का डिवीजन करा रहा था। तो अगर ये नहीं होगा तो भी, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी तो मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो एक्चुअली इन बहुत सारे रीजन है मेल इनफर्टिलिटी के, ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो इसी को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यार, अपन ने जब स्पर्मेटोजेनेसिस समझ लिया, ठीक है, अब अपन ने स्पर्म का एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो अपन फिर सारे मेल इनफर्टिलिटी के टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं यार स्पर्म के स्ट्रक्चर की। देखो, कल अपन ने देखा कल अपन ने देखा कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, समझ गए, जिसे अपन डिफ्रेंसिएशन कह रहे थे। अब मैं बताता हूँ कि यार जो एक्चुअली स्पर्मेटोजोआ बना वो एक्चुअली कैसा दिखता है, लाइक उसकी दो चीजें, एक तो हेड एक टेल। ठीक है, ओके तो यहां पे मैंने एक स्पर्म बनाया, ठीक है, और इसके अंदर होता है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि ये है हेड, ये है टेल, समझ गए मेरी बात को। तो ये हेड, ये है टेल, इसके अंदर अगर हेड की बात करें, मोटे मोटे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस को कवर करता है एक आगे कैप जिसे अपन कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, एक्चुअली एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है, ठीक है, जो कि एक्चुअली जो एक्चुअल वो है, क्या कहते हैं, जो फर्टिलाइज ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, ठीक है ना, ओवम तक पहुंचने के लिए भी चीजें चाहिए, ऐसा नहीं कि ओवम तक ऐसे पहुंच जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब फर्टिलाइजेशन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारे एंजाइम्स है, लाइक जैसे अगर अपन बात करें तो हाइलुरोनिडेज, प्रोटीएजेज, एसिड फॉस्फेटेज, तो इसके अंदर बहुत सारे लाइजोसोम्स जैसे मैच करने वाले एंजाइम्स है जो कि एक्चुअल फाइनल हेल्प करेंगे ओवम को फर्टिलाइज करने में। ठीक है, और ये एक्चुअली तब वहां पे बहुत कम आएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक ब्रॉड स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या क्या रहा हूँ। देन न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर वही है, सीधा से बात है, 23 क्रोमोसोम से, वो मैंने आपको बता दिया था कल। ठीक है, टेल एक्चुअली तीन हिस्सों में होती है, एक है नेक, एक है बॉडी, एंड एक है जो भी अपना है एंड पीस। ठीक है, देखो नेक तो वही है जो हेड और बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, कह लो हेड और टेल को कनेक्ट कर रहा है वो नेक है। बॉडी की अपन बात करें एक मिनट, हाँ, बॉडी की अपन बात करें तो एक्चुअली सबसे पहले एंड पीस की बात करते हैं, तो अगर मैं इसे क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो एक्चुअली जो इसका एंड पीस है, जो टेल है, जो एंड पीस है, इसे अपन फ्लैजलम भी कहते हैं। ठीक है, समझना, ये जो फ्लैजलम है इसके अंदर है एक्सल फिलामेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर 11 एक्सल फिलामेंट्स, किस तरीके से समझो, नाइन प्लस टू। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो इसके अंदर जो एक्सल फिलामेंट्स है वो दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में, ठीक है, और नाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, दो रिंग्स में, समझ लो ये दो दो है। ठीक है, तो इस तरीके से नाइन पेयर के फॉर्म में
पेरीफेरी में है और दो बीच में सिंगल और सेंट्रल है, ये कोई पेयर में नहीं है, सिंगल और सेंट्रल है। तो इस वजह से 9 पेयर में और 2 सिंगल सेंट्रल है। तो इस तरीके से 11 एक्सल फिलामेंट से इस एंड पीस से टेल को बनाया गया है। ठीक है, ऑफकोर्स टेल का क्या काम है आप बताओ, ये एक्चुअली करेगी फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, लाइक फॉर मोटिलिटी अगर प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए है अपनी टेल, कि जो स्पर्म है ना, जो मोटाइल है वो आगे तक जाएगा। और ये जो मूवमेंट होता है, ये होता है फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, जो होता है एक्चुअली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, लाइक टेल कैसे मूव कर रही है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ठीक है, समझे। दूसरा, इस एक्सल फिलामेंट, जो ये पूरी टेल ऐसे चलती आ रही है एक्सल फिलामेंट, इसको सराउंड कर रखा है बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ने, क्योंकि यार कोई भी चीज को मूवमेंट हो रही है तो मतलब एटीपी चाहिए, और एटीपी अपने कहां बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, समझ गए। तो ये इस तरीके से पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर डिजाइन है। ठीक है, अब आगे अपन बात देखते हैं। ये जो स्पर्म है एक्चुअली अगर अपन बात करें तो ये स्टोर कहां रहता है, एक्चुअली टेस्टिस के अंदर स्टोर रह सकता है। ठीक है, अप्रॉक्स 120 मिलियन स्पर्म हर दिन स्टोर रहते इन द टू टेस्टिस। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एपिडिडिमिस में ज्यादा रहते, थोड़ा बहुत वास्ट डिफरेंस में रह सकते, फॉर एटलीस्ट 1 मंथ तक ये स्टोर रह सकते हैं। ठीक है, तो वो एपिडिडिमिस में भी वो कर क्या रहे, एपिडिडिमिस में एक्चुअली जो स्पर्म है, एपिडिडिमिस में जो स्पर्म है वो वहां पे मतलब लेते हैं कैपेबिलिटी ऑफ मोटिलिटी, कि भाई स्पर्म कि मोर्टिलिटी का बहुत फर्क पड़ता है। लाइक अगर वो एपिडिडाइमिस में नहीं रुकता स्पर्म, ये डायरेक्टली इजेकुलेट कर जाता है, तो वो स्पर्म कभी भी मोटाइल नहीं होता। तो जो कैपेबिलिटी ऑफ मोर्टिलिटी है, ये कह लो जो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म है, वो एपिडिडाइमिस में होता है, समझे। बट जो फाइनल मैच्योरेशन है, ये कह लो जो एक्चुअल मोर्टिलिटी है ओवम तक पहुंचने की, ओवम को फ्यूज करने की, वो आती है आफ्टर इजेक्युलेशन, समझ गए। तो इजेक्युलेशन के बाद आती है एक्चुअल मोर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी। ठीक है, तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन एपिडिडाइमिस, फाइनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस आफ्टर इजेक्युलेशन, समझे मेरी बात को। ओके, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, यहाँ पे यह चीज अपनी खत्म होती है। अच्छा, एक और चीज, अब ये पूरा स्पर्म जो अपना तैयार हो गया है, ये बढ़िया है, मोटाइल है, फर्टाइल है, ठीक है, अच्छा खासा फ्लैजिलेटेड मूवमेंट कर सकता है, तो ये इसे अपन कहते हैं एक बेसिक फिजियोलॉजिकल स्पर्म, जो कि एक्चुअली फर्टाइल और मोटाइल है। ठीक है, समझ गए। और इसकी जो मतलब ये इसकी एक्टिविटी ऑफकोर्स एनहेंस होती है न्यूट्रल, ये कह लो स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम में। ठीक है, और एसिडिक मीडियम अगर होगा तो ये इसकी मतलब ऑफकोर्स मोर्टिलिटी और फर्टिलिटी पे फर्क पड़ता है। और मैंने इसलिए आपको बताया था कि सीमेन जिसमें अपने स्पर्म्स है वो एक्चुअली स्लाइटली एल्कलीन है, डेट इज अप्रॉक्स 7.5। और मैंने कल आपको बोला था ब्लड का, ठीक है ना, ब्लड आपको पता ना कितना होता है पीएच, आपको पता है, ठीक है, नहीं पता तो पता करके आओ, हर चीज में से मत पूछा करो। ठीक है, ब्लड का होता है 7.4, समझ गया ना, मतलब ये बताने की बात नहीं होती, बार बार आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 7.5 अपना सीमेन का पीएच होता है, अप्रॉक्स स्लाइटली एल्कलीन, एंड ब्लड ऑफ कोर्स इज आल्सो स्लाइटली एल्कलीन, डेट इज अप्रॉक्स 7.4, और एग्जैक्टली कुछ 7.37 था, मैंने क्या बताया था ब्लड वाले चैप्टर में बताया था। ठीक है, 7.4 समझ के चलो आप, ठीक है ना। ओके, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि अपन ने मेल के स्ट्रक्चर, मेल के क्या पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस समझ लिया, अब अपन मेल इनफर्टिलिटी को समझ सकते हैं। ठीक है, देखो होता है क्या, एक्चुअली ना टेस्टिस डिसेंड करती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, एट द लेटर स्टेजेस ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, जब लास्ट मंथ्स आते हैं ना, 2-3 महीने, तो उस टाइम पे टेस्टिस डिसेंड करती है। तो अगर मैं मेल इनफर्टिलिटी की बात करूं, तो सबसे पहले आप अपन करेंगे क्रिप्टोजिडिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो अगर ये जो टेस्टिस डिसेंड कर रही है फ्रॉम एब्डोमेन, समझो इसका पूरा पाथवे है, आप एनाटॉमी में पढ़ते हो, मैं ब्रॉड बात कर रहा हूँ, फ्रॉम एब्डोमेन थ्रू इनगुइनल कैनाल और फाइनली जो स्क्रॉटम तक पहुंचती है, ये इसका पूरा डिसेंट होता है, टेस्टिस का पूरा एब्डोमेन से नीचे आती है। अगर मान लो ये टेस्टिस डिसेंट नहीं करती फ्रॉम द एब्डोमेन टू द स्क्रॉटम और कहीं भी बीच में अटक जाती है, ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्रिप्ट का मतलब ही होता है हिडन, ऑर्किड मतलब टेस्टिस, कहने का मतलब टेस्टिस स्क्रॉटम तक नहीं है, लाइक टेस्टिस हिडन है समवेयर इन एब्डोमेन एंड और यू कैन से इनगुइनल कैनाल या कहीं भी पूरे उसके रूट में। तो आपको समझ में आया, फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रॉटम और कहीं भी अटक सकती है। ठीक है, अब इसको समझने की बात है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। देखो जो ये टेस्टिस का डिसेंट है, जो टेस्टिस नीचे आ रही है एब्डोमेन से स्क्रॉटम तक, उसको चाहिए टेस्टोस्टेरोन, समझ गए मेरी बात को। देखो अगर मान लो वो टेस्टिस एबनॉर्मली डेवलप्ड है,
तो अगर वो एबनॉर्मली डेवलप्ड है तो वो अच्छे से टेस्टोस्टेरोन बना नहीं पाएगी, ठीक है, इनफ टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, और इस वजह से इसकी जो डिसेंट जो टेस्टिस नीचे आ रही है वो नहीं आ पाएगी। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही टेस्टिस नहीं है या एक टेस्टिस नहीं है, और वो कहीं ना कहीं अटक जाएगी अलोंग द रूट ऑफ डिसेंट। ओके, मेरी बात समझ गए? तो इसकी वजह से सिम्टम क्या क्या आएंगे, लाइक ये तो हो गया कॉज सिम्टम और यहाँ डेफिनेशन, आपको समझ में आ गया? ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, बाकी ये सब चीज़ें ये सब पॉइंट लिखने से ना मतलब फील कम हो जाता है पढ़ाई का, इसलिए ये मैं अपने नोट्स में लिखता हूँ कि आप लोगों को मतलब एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। एंड ऑलमोस्ट यार सारे लोगों ने अब तो नोट्स ले लिए, ठीक है, मेरे को मालूम था आप लोगों के नाटक यही रहता है, आप पूरे साल में आपको बोलता रहा यहाँ से कर लो आराम से हो जाएगा, देन आप लोग लेते नहीं हो, एंड लास्ट के ये जैसे दिवाली खत्म हुई ना बस खत्म, मेरे जितने चैनल पे व्यूज है ना, जितने इस साल सब्सक्राइबर्स आए ऑलमोस्ट सारे ही लोगों ने नोट्स ले लिए, ठीक है, तो ये आपको वहां पे फायदा मिल जाएगा नोट्स का कि भाई यहाँ पे अच्छे से आपको पता चलेगा आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। लाइक मैं यहाँ पर अगर आपको सब कुछ लिखूंगा ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो अगर सिम्टम्स की अपन बात करें तो समझो क्या हो रहा है, देखो तो इस वजह से टेस्ट नीचे नहीं आ पाए। अब सिम्टम्स खुद ही सोचो, मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए क्या चाहिए, मतलब ऑफकोर्स टेम्परेचर का क्या रिलेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस से, क्यों टेस्टिस क्रोटम में, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए कुछ बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री टेम्परेचर अपन को कमी चाहिए। अब क्योंकि टेस्टिस एब्डोमेन में है तो ऑफकोर्स वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, तो उस वजह से ये जो एक्स्ट्रा जो टेम्परेचर मिल रहा है एब्डोमेन में टेस्टिस को, इस वजह से क्या होता है डीजनरेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, जो भी अपने ट्यूबुलर एपिथीलियल सेल्स थे उनका डीजनरेशन हो जाएगा ट्यूबुल्स, ठीक है, और ऑफकोर्स इंटरस्टिशियल सेल्स नॉर्मल रहते हैं, ठीक है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं, इंटरस्टिशियल सेल्स का ऐसा कुछ नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए वो सही होना चाहिए, बाकी इंटरस्टिशियल सेल्स तो एकदम सही है, समझ गया? तो इंटरस्टिशियल सेल्स अगर नॉर्मल है तो समझो डीजनरेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होने से क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी और इस वजह से होगी स्टरिलिटी, समझ गए, इसे कहते हैं स्टरिलिटी। लेकिन इंटरस्टिशियल सेल्स सही है, मतलब ब्लीडिंग सेल्स सही है, मतलब टेस्टोस्टेरोन जितना भी बन रहा है इनफ सही से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मैंने एक्चुअली क्या बोला था, फीटस के टाइम पे टेस्टोस्टेरोन अच्छे से ना बनने की वजह से डिसेंड नहीं हो रहा, बट जैसे जैसे आपका बर्थ हुआ 4-5 साल के हुए तब टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे सेक्रेट होने लग गया, लेकिन अब वो टेस्टिस नीचे नहीं आनी, ठीक है, तो वो जो टेस्टोस्टेरोन सही सेक्रेट हो रहा है तो एक्चुअली वो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सब सही से बना रहा है उसकी बॉडी में, बट एट द कॉस्ट ऑफ स्टरिलिटी, क्यों, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स तो डिजेनरेट हो चुके हैं, समझ गए? तो ये था पूरा क्रिप्टोजेनिज्म। एंड ऑफ कोर्स यार मतलब कुछ मतलब इतना श्योर नहीं है सारे सर्जन, बट ऐसा है कि मान लो प्यूबर्टी से पहले अगर आप टेस्टिस को नीचे ला भी देते ना तो उसका कोई फायदा नहीं आता, क्योंकि वो एबनॉर्मली डेवलप्ड है, थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन बना ले रही है बट वो एबनॉर्मली डेवलप्ड है, तो उसको निकालना ही बेस्ट होता है क्योंकि चांसेस है कैंसर ना हो जाए, लाइक टेस्टिस अगर एब्डोमेन में है तो कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा अपन मैं बात कर रहा था, ये मैंने आपको बता दिया पहला क्रिप्टोजेनिज्म, दूसरा अपन बात करें तो है पिट्यूटरी डॉफ, इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि पिट्यूटरी डॉफ स्टेरल होते कि नहीं, ध्यान से समझना। और ऑफ कोर्स मैं इसका पिट्यूटरी डॉफ वर्सेस थायराइड डॉफ मैं आपको वहां एंडोक्राइन में पढ़ताऊंगा, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस, और बहुत बार टीचर को जानने में इंटरेस्ट रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऑफकोर्स हमें पता होना चाहिए भाई हाइट छोटी है तो किस रीजन से, अदरवाइज तो काई के डॉक्टर, ओके समझ रहे मेरी बात को, पर यहाँ पे अपन पिट्यूटरी डॉफ को डिस्कस करेंगे अपने काम का, यहाँ रिप्रोडक्शन पैटर्न मैं ज्यादा सब जगह नहीं जाना चाहता, फोकस रखना है अपन को, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है अपना पिट्यूटरी डॉफ, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक पॉइंट था जहां पे ग्रोथ हार्मोन जरूरत था, कहां पे, फॉर द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, तो अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो स्पर्मेटोगोनिया का डिवीजन या ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो सीधी सी बात है स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से स्टेरिलिटी आएगी ही, सो आई वांट टू से पिट्यूटरी डॉफ आर स्टेरल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये भी एक मेल स्टेरिलिटी का मतलब कारण बन गया, समझ गए, क्रिप्टोजेनिज्म हो गया, पिट्यूटरी डॉफ हो गया। अब एक और देखते, लाइक अपन ने देखा कि सब कुछ सही बना है लेकिन स्पर्म काउंट का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है भाई, देखो यार मतलब फॉर नो रीजन आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लाइक नेचर का ही ये रूल है भाई, एक स्पर्म को ही एक ओम से फर्टिलाइज करना है, बट स्टिल वी शुड अ मैन शुड हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्पर्म या ट्रेमेंडस नंबर ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज एट वन सिंगल ओम, बात आ रही है मेरी बात समझ में, समझो मैंने आपको क्या बताया कि सीमेन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है अप्रॉक्स 3.5 ml, और 1 ml अप्रॉक्स 120 million स्पर्म कंजस्ट करता है, एंड लाइक एक इजेक्यूलेशन में अगर 3.5 ml सीमेन निकल रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर अप्रॉक्स 35 to 200 million स्पर्म्स होते हैं,
अगर 35 से कम स्पर्म हो जाएंगे तो इसका यह मतलब नहीं कि स्पर्म काउंट डिक्रीज है। अगर 20 मिलियन स्पर्म से नीचे या बिलो 20 मिलियन स्पर्म काउंट होती है तो इसे कहते हैं ओलिगो स्पर्मिया, और अगर जीरो स्पर्म बन रहे ठीक है तो उसे कहते हैं एजोस्पर्मिया। और ये ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया ये दोनों ही इनफर्टिलिटी के कारण है। तो अगर मेरा कहने का मतलब ये कि 33 मिलियन भी बन रहे तो इट्स नॉर्मल, लाइक आप फर्टाइल हो, बट नॉर्मल रेंज होती है 35 to 200 मिलियन स्पर्म। बट अगर 20 मिलियन से कम बन रहे डेट इज ओलिगोस्पर्मिया, आप इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आ रहे हो। अगर एक भी स्पर्म नहीं बन रहा डेट इज एजोस्पर्मिया, एंड डेट इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो समझ लो मतलब 20 मिलियन का मतलब, अगर मान लो 18 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे एक मेल के द्वारा, या एक मेल 18 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है फॉर टू फर्टिलाइज द सिंगल ओवम, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड अ मेल इनफर्टिलिटी। रेयरेस्ट चांस है कि फर्टाइल है वो बंदा, मतलब वो कपल बेबी डिलीवर नहीं कर सकते, लाइक बेबी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो एक एवरेज 35 to 200 मिलियन स्पर्म चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा अपन देखते हैं, लाइक अगर मान लो स्पर्म काउंट भी सही है, लाइक 70 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे, दैट इज पर्सन शुड बी फर्टाइल, लाइक अ मेल शुड बी फर्टाइल, बट ऐसा नहीं है। मॉर्फोलॉजी क्या है और मोर्टिलिटी क्या है, इसका भी बहुत रोल रहता है फॉर द फर्टिलिटी। कहने का मतलब, अगर मान लो जैसे अभी आपको मैंने बेसिक मॉर्फोलॉजी बताई, बट मान लो अगर एक स्पर्म के दो हेड है, या एबनॉर्मल हेड है, या दो टेल है, एबनॉर्मल टेल है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, या मोर्टिलिटी कह लो रिलेटिवली नॉन मोर्टाइल है, या पूरा ही इमोर्टाइल है, तो ये सब इनफर्टिलिटी के कारण बनते हैं। आपको मेरी बात आ गई समझ? सो गाइस इस वीडियो में इतना ही यार, पूरा स्ट्रक्चर समझना है क्या हो रहा था, टेस्टिस, टेस्टिस से कैसे स्पर्म बने, कहाँ पे मैच्योर हुए एपिडर्मिस में, फिर आगे जाके मैंने आपको बताया था दोनों ग्लैंड्स दे रही अपने सेक्रेशन, सेमिनल वेसिकल्स, दोनों सेमिनल वेसिकल, उसके बाद प्रोस्टेट, उसके बाद यूरेथ्रा, देन इजैक्युलेशन, इजैक्युलेशन इज द फाइनल मैच्योरेशन, स्पर्म कैसा है, कैसा बना है, कैसा दिख रहा है, आपको सब समझ में आ गया, आ गई ना बात समझ में? तो फाइनली यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैंने स्पर्म को प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, फीमेल रिप्रोड्यूसिव सिस्टम के अंदर मुझे ओवम को प्रोड्यूस करना है एंड देन उनका फर्टिलाइजेशन करा देना है। तो मैं आपको समझ रहा हूँ ओरिएंटेशन क्या चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जिस इंसान को एमबीबीएस के अंदर ओरिएंटेशन समझ में आ गया ना कि मैं पढ़ के आ रहा हूं, कहां से चीजें कहां लिंक कर रहा हूं, ही इज बेस्ट देन, मतलब ही और शी इज बेस्ट। तुम लोगों की दिक्कत पता है क्या है, तुम लोगों चीजों को लिंक नहीं करते। जिस इंसान अभी जैसे तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हें ये लिंक करना ही है, सेमिनल वेसिकल का कैसी एनाटॉमी है, देन उसी की फिजियोलॉजी पढ़ो एंड देन उससे रिलेटेड जो बायोकेमिस्ट्री वो पढ़ो। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। अब तुम चुन्नु मुन्नु प्यारे प्यारे बच्चों की तरह कल एनाटॉमी का टेस्ट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, यूरेथ्रा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सेमिनल वेसिकल इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी ब्लैडर इंपॉर्टेंट है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। चीजों को लिंक नहीं करोगे ना, यही तो डिफरेंस है इंडिया में और बाहर के, जैसे अपन कहते हैं यूएसएमएल के एग्जाम्स में, वो लोग चीजों को लिंक करके क्वेश्चन पूछते हैं तभी उनका माइंड में चीजें रिटेन रहती है। अपन रिटेन क्यों नहीं रखते, कभी लिंक ही नहीं किया। नोट्स भी बनाओ ना तो ऐसे बनाओ कि रिप्रोडक्शन की एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन की फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन की बायोकेमिस्ट्री साथ हो। बट आप सोचोगे नंबर कम आ जाएंगे, ये जो दिक्कत है तुम लोग नंबर के पीछे भागते हो। आधे से ज्यादा बच्चे तो मुझे व्हाट्सएप पर नोट्स के लिए जब पूछते सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि आपके कितने नंबर आए थे। अभी मेरे तो नंबर ही नहीं आए थे, मुझे तो आप समझ में आया कि कैसे हैंडल करना था, नंबर मेरे आगे होते तो मैं तुमको पढ़ाता ही नहीं। मैं पढ़ा ही इसलिए रहा था कि जो दिक्कत मैंने फेस करी ना वो मैं तुम्हें फेस नहीं करने दूंगा, भले मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूं पर तुम्हें पूरा एमबीबीएस का सार समझा दूंगा, समझे। तो चीजों को लिंक करना सीखो, ये जो लिंक करोगे आज रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, ये आपके ऑब्स गायनी में भी काम आएगा, पैथोलॉजी में भी काम आएगा, जब भी अपन इनफर्टिलिटी को पढ़ेंगे, बट आप लोग नहीं करते। सीखो यार, थोड़े से स्मार्ट बनो। लाइक मैं, मेरा एक बहुत बड़ा थॉट है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, दुनिया पागल है, सारे गधे, ठीक है, अब थोड़े से इंटेलिजेंट बन जाओ दुनिया को जीनियस कहेगी, थोड़े से, बस इतना सा फर्क है। सब पागल है, मुझे तो पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं। लाइक पागल तो मैं भी हूँ मतलब, और थोड़ा सा जीनियस बनना इतना आसान भी नहीं, आपको टेक पता होना चाहिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।